वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, मेरा बहुत सारा फ्रेंड है जो रम ड्रिंकर है, रम लवर है, और अक्सर मैं उन लोगों के ऊपर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट भी कर चुका हूँ। उन लोगों को ऑफर कर चुका हूँ कि भाई मेरे पास बहुत अच्छा स्कॉच है, आज ये पी, बट वो नहीं पीते हैं। वो बोलते हैं नहीं भाई, मुझे तो बस अपना ब्रांड रम ही चाहिए। इवन मैंने देखा है कि कहीं पार्टियां चल रही हैं और वहां पर बेहतरीन बेहतरीन ड्रिंक्स, बहुत अच्छे अच्छे स्कॉच, एक्सपेंसिव ब्रांड, ये सब दिया जा रहा है, बट फिर भी वो बंदा जो रम लवर है ना, वो बस वही पिएगा, वो ही रम पिएगा। मतलब इतना डेडिकेशन है, इतना प्यार है रम के साथ। बट क्या आपको मालूम है कि किस तरीके से रम को पीने से सबसे अच्छा एंजॉयमेंट मिलता है? वेल, सबको ये मालूम नहीं है। मैं आज इस वीडियो से यही आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो ज्यादा टाइम ना गंवाते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। वेल, वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि दो तरीके का इंसान होते हैं जो यूजुअली अल्कोहल को पीते हैं। एक होते हैं जो उसको एंजॉय करके पीते हैं, और दूसरे नंबर पर आता है उन लोग जो सिर्फ नशे के लिए अल्कोहल को पीते हैं, वो चाहे रम, जीन, वोडका, विस्की, बियर, कुछ भी हो। जब तक नशा नहीं चढ़ता है तब तक ये लोग सबको गाली देता है कि क्या पिला रहा है यार, नशा नहीं हो रहा है, नशा नहीं हो रहा है। भैया, अगर आपका यही रवैया है, अगर आप यही सोचकर ये वीडियो को ऑन किया है, तो मैं आपको नमस्ते करना चाहूँगा। आप ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कैसे एक्स्ट्रा नशा मिलेगा उसके बारे में बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि आपको ड्रिंक को कैसे इंजॉय करके पीना है। हमेशा जान लीजिए, अल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ, तो हम लोगों को मॉडरेट तरीके से पीना चाहिए। तो मैं सबको रिक्वेस्ट भी करूँगा कि मॉडरेट ड्रिंकिंग कीजिए, कम पीजिए। चलिए असली मुद्दे पर आते हैं कि रम को कैसे पीना है। तो यहाँ पर मैं दो सलाह दूंगा, ध्यान से सुनिए मेरे बातों को। एक है जो आप अगर रोज एवरी डे पीते हैं तो उसके लिए एक अलग सजेशन, और अगर आप कभी कभार पीते हैं, मान लीजिए सप्ताह में एक या दो दिन पीते हैं, या महीने में बड़ी मुश्किल से तीन या चार दिन पीते हैं, ऐसा कुछ, तब उसके लिए एक अलग सलाह दिया जाएगा इस वीडियो से। याद रखिएगा, डेली ड्रिंकिंग अगर आप करते हैं तो उसका जो असर है ये बहुत हैंकर होता है, इसलिए उस पर एक सिंपल सा मिक्स को सजेस्ट किया जाता है। और अगर आप अक्सर कभी कभार पीते हैं तो तब जाके आप कुछ भी उसके साथ मिक्स कर सकते हैं। बाय द वे, एक सजेशन और है। देखिए, ये जो ड्रिंक है रम, ये आपका ड्रिंक है, और आप कैसे पीना पसंद करेंगे, क्या मिलाना पसंद करेंगे, ये कंप्लीटली आपके ऊपर ही जाता है। क्योंकि शायद जो चीज़ आप करना चाहते हैं या करते आए हैं उससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो हम इसमें दखल अंदाज नहीं करना चाहते हैं। बट यहाँ पर मैं कुछ चीज़ बिल्कुल जोड़ना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू, सो दैट आपको कम से कम पता चले कि किस तरीके से मिलाने से मैक्सिमम इन्जॉयमेंट मिल सकते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं व्हाट इज रम, रम क्या है। देखिए, यूजुअली अगर मार्केट में आप जाएंगे तो चार तरीके का रम आपको अक्सर मिल जाएगा, जैसे कि डार्क रम, वाइट रम, गोल्डन रम एंड स्पाइस रम। ये चार तरीके के रम आपको मिल जाएंगे, बट हम लोग मोस्टली ये दो रम ही पिया करते हैं, एक है वाइट रम और एक है डार्क रम। डार्क रम में जैसे ओल्ड मॉग, मैकडाउल सेलिब्रेशन, हवाना क्लब और बकारी जैसा वाइट रम है, हवाना क्लब भी है, ओल्ड मॉग का भी वाइट वर्जन आया है, तो यूजुअली हम लोग यही पीते हैं। तो इसी के ऊपर, मतलब ये दो टाइप्स ऑफ रम के ऊपर हम लोग ज़्यादा बातें करेंगे। छोटा सा इन्फॉर्मेशन और शेयर कर दूं कि वाइट रम मतलब ये अनएज्ड रम है, इसको कभी भी किसी भी तरीके से एज नहीं किया जाता है। अगर किसी कारण से एज किया जाता भी है तो उसका जो हल्का कलर ऐड हो जाता है उसको रीडिस्टिल करके, रेक्टिफाई करके फिर क्रिस्टल क्लियर रम दिए जाते हैं। तो आप जब भी वाइट रम पीजिएगा आप जान लीजिए कि ये एज रम नहीं है। और ये है गोल्ड रम, अक्सर आपको ये रम में मार्केट में मिल जाते हैं, ये एक्चुअली वाइट रम है, बट इसको वुडन बैरल में टू इयर्स या वन इयर्स मैच्योर किए जाते हैं, और जिसके कारण इसमें एक गोल्डन ह्यू आ जाते हैं। बट मैक्सिमम गोल्डन रम जो इंडिया में स्पेशली मिलते हैं उसमें कैरामेल को पर्पसली यूज किया जाता है, जो एक कलर सब्सटेंस है, और उसके कारण आपको ये गोल्डन ह्यू भी मिल सकते हैं। और डार्क रम क्या है, बहुत सिंपल है यार, ये भी सिंपली वाइट रम है, और इसको
वुडन बैरल में एज किया जाता है, बट इंडिया में जो रम मिलता है वो बिल्कुल एज नहीं किया जाता है। इवन आप अगर गोल्डन यू नो ओल्ड मॉन्क को देखेंगे तो लिखा है 7 ईयर्स ओल्ड ब्लेंडेड। इसका मतलब है कि ये जो बैच है इस बैच में 7 ईयर्स पुराना एक रम जिसको शायद मिलाया गया है। बट यूजली इंडिया में जो भी डार्क रम मिलता है वो एक्चुअली अनएज्ड होता है। कैसे बनाता है? सिंपली व्हाइट रम और इसमें भर भर के कैरामेल कलर को ऐड किया जाता है और इसमें मोलासेस को भी पर्पसली ऐड किया जाता है सो दैट इसका जो कलर है वो डार्क दिखे। एंड स्पाइस रम क्या है? सिंपल है, एक वाइट रम है जिसमें पर्पसली स्वीट को इस्तेमाल किए जाते हैं और साथ साथ उसमें बोटानिकल्स या हर्ब्स को इन्फ्यूज किए जाते हैं सो दैट आपको एक स्पाइसी टेस्ट मिले। एक चीज क्लियर कर दूं, जो भी रम बनते हैं वो मोस्टली बनता है शुगर केन का जो बाई प्रोडक्ट है मोलासेस उससे। शुगर केन मतलब गन्ना, आपने देखा है उसको रस में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद उसको उबाल के वो जो चीनी है उसको सेपरेट किया जाता है और उसके बाद जो लेफ्ट ओवर रह जाता है उसी को मोलासेस कहते हैं, उसी से मैक्सिमम रम बनते हैं। अगर डायरेक्ट शुगर केन से मतलब डायरेक्ट चीनी या गुड़ से रम बनते हैं तो उसको हम लोग प्रीमियम रम भी बोल सकते हैं। सो फाइनल मुद्दे पे आते हैं कि आपको अगर रम पीना है तो कैसे पीना है। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि डेली आप पीते हैं, रोज आप अल्कोहल को पीते हैं या रम को पीते हैं तो सजेशन बिल्कुल अलग हो जाता है। फ्रेंड्स अगर व्हाइट रम का बात करूं तो फिर मैं आपको बताऊंगा, अगर आप डेली पीते हैं रोज पीते हैं तो फिर आपको वाटर से पीना चाहिए, सिंपल वाटर एंड 2 क्यूब ऑफ आइस और 4 क्यूब ऑफ आइस, साथ में एक लेमन स्लाइस दे सकते हैं सो दैट इसमें थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करें और लेमन का फ्लेवर। अगर आपको इस तरीके से रम पीना पसंद नहीं है तो फिर आप इसमें कोई जूस को ले सकते हैं जैसे कि ऑरेंज जूस, पाइनएप्पल जूस, इवन सजेस्टेड है कि कोकोनट वाटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपका रम को डेली पीने के लिए। एंड सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसको माइल्ड बना लीजिए, कॉकटेल बना लीजिए। बहुत सारा रम कॉकटेल है जैसे कि मोहितो, डाइकरी, आप अगर उस तरीके से पियेंगे तो भी ये काफ़ी हद तक हेल्दी हो सकता है। नाउ अगर मैं आपको बताऊं कि आपको यू नो सप्ताह में एक दिन या महीने में यू नो बड़ी मुश्किल से 2 या 3 दिन आप अल्कोहल को पीते हैं तब जाके सजेशन थोड़ा सा बदल जाता है। यहाँ पर आप बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जैसे कि आप वाइट रम पीने के लिए आप कोला को इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि वाइट रम का जो फ्लेवर है और जो यूजली बहुत यू नो नेल पॉलिश रिमूवर जैसा फ्लेवर है तो उसको मास्किंग करने के लिए कोला वुड बी द अल्टीमेट। बट याद रखना ये महीने में अगर 2-3 या 4 दिन आप पिया करते हो तब। साथ साथ आप इसमें हब सोडा एंड हब स्प्राइट भी मिलाकर पी सकते हो, 60 ml रम उसमें 4 क्यूब ऑफ आइस एंड हब सोडा हब स्प्राइट। इसमें क्या होगा, ये जो रम है वो जो स्प्राइट है वो कुछ हद तक स्वीट डाल देगा आपका ड्रिंक में और पैलेट में आपको बहुत सूदिंग लगेंगे। साथ साथ अगर आपको और भी एक्सपेरिमेंट करना है तो आप जिंजर एल भी इसमें मिला सकते हैं, मार्केट में बड़ी आराम से जिंजर एल मिल जाते हैं, जिंजर एल से पी सकते हैं। इवन समटाइम यू कैन पुट टॉनिक वाटर इन दिस, आप टॉनिक वाटर से भी बकाडी रम को पी सकते हो। बट इतना याद रखना कोई भी एक्सपेरिमेंट चल सकता है अगर आप इरेगुलर हो या एक्सपेरिमेंटली कभी कभी पिया करते हो तब। नाउ आता हूं डार्क रम के ऊपर चर्चा करने के लिए। डार्क रम अगर आप डेली पीते हो, रोज पीते हो, तब जाके सजेशन है कि आप ओल्ड मॉन्क के नीट पी सकते हो। बाय द वे मैं यूजुअली नीट रिकमेंड नहीं करता हूँ, यू नो स्पेशली जो रम इंडिया में अवेलेबल होते हैं वो एक्चुअली मैच्योर्ड नहीं होते हैं। अगर आपके पास कोई यू नो डार्क रम है जो मैच्योर्ड रम है, ट्रूली मैच्योर्ड, रिसेंटली बकाडी बहुत सारा डार्क रम मार्केट में या गोल्डन रम मार्केट में छोड़ा है जो मैच्योर्ड रम है, उसको आप आराम से पी सकते हो नीट। ऑफ कोर्स नीट क्या करना होगा, कोई भी ग्लास, कोई भी ग्लास रम के लिए कोई भी ग्लास आप चुन सकते हो, उसमें 30 ml या 60 ml डाल के अब उसको थोड़ा सा रोटेट करके स्टर करके आराम से छोटा छोटा सिप लेके पी सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप ओल्ड मॉन्क, मैकडॉनल्ड्स और ऐसे ही कोई इंडियन रम पी रहे हो डार्क रम तो फिर नीट मत पीजिए। नाउ सेकेंड इज वाटर, कोई भी रम को आप पोर कर लीजिए 30 या 60 ml और उसके साथ आप आइस डालिए और वाटर डाल दीजिए और एक लेमन स्लाइस डाल दीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इंडियन
जो रम्स होते हैं उसमें उतना पावरफुल फ्लेवर्स नहीं रहता है, तो आपको एक एड ऑन फ्लेवर चाहिए, और वो लाइम जो है वो बहुत अच्छा काम करता है जब भी आप रम में डालते हैं। तो रम विथ वाटर वुड बी अ गुड ऑप्शन। ऑन द रॉक्स भी आप डेली पी सकते हैं ओल्ड मोंग या मैकडॉल्स, ऐसा कुछ डार्क रम के साथ, और साथ साथ 60-60 रेशियो भी हो सकता है, जैसे कि 60 ml रम डार्क रम और 60 ml वाटर। ये चिल्ड भी हो सकता है और रूम टेम्परेचर भी हो सकता है, ये भी आप पी सकते हो। बाय द वे, सबसे बेस्ट ऑप्शन है हॉट वाटर के साथ रम, डार्क रम स्पेशली, तो वो भी आप कर सकते हो। एक ग्लास ले लो, उसमें 60 या 30 एंड फुल ऑफ हॉट वाटर, और आहिस्ता आहिस्ता चुस्किया लेकर भी आप पी सकते हैं, डेली ड्रिंक करते हैं तो। नाउ सेकेंड ऑप्शन जो है वो है कि अगर आप डार्क रम को वीकली एक बार पीते हो या महीने में वही 2-3-4 या 5-6 दिन पीते हो, तो फिर आपके लिए अलग सलाह है। इसमें आप कोई भी अदर इंग्रेडिएंट्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, जैसे कि डार्क रम विथ कोला। यस ऑफ कोर्स, अगेन ये बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। यूजुअली डार्क रम में कैरामेल रहते हैं और वनीला फ्लेवर रहते हैं, और जब इसको आप ग्लास में डालते हो तो बहुत कैरामेल फ्लेवर आपको मिलता है, और तो और कोक में भी बहुत सारा कैरामेल रहता है या कोला में बहुत सारा कैरामेल रहता है, और ये दोनों जब इकट्ठा मिलते हैं तो एक अमेजिंग टेस्ट निकल के आते हैं। तो रम विथ कोक एक्सट्रीमली अ गुड ऑप्शन। और तो और आप डार्क रम को हाफ सोडा एंड हाफ वाटर को इस्तेमाल करके पी सकते हैं। इससे क्या होता है, एक्चुअली रम जो है इसमें कहीं ना कहीं, मतलब डार्क रम जो है इसमें कहीं ना हल्का स्वीटनेस रहता है, और वो वनीला और कैरामेल बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। वहाँ पर आप हल्का सोडा देंगे तो वो बबली टेक्सचर आपका मुंह में एक क्रिस्पीनेस तैयार करेगा, और वो जो वाटर है वो डाइल्यूट करने के बाद वो जो हर्शनेस है रम का, ये काफ़ी हद तक रिड्यूस होता है। तो हाफ सोडा हाफ वाटर विथ डार्क रम 60 या 30, आपकी चॉइस, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इवन आप अगर चाहे तो इसमें कोई भी जूस को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल जूस, पाइनएप्पल जूस, गुआवा, ऑरेंज, कोई भी जूस आप डार्क रम के साथ पी सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मिठास पसंद नहीं है अपना ड्रिंक में, तो हाफ पार्ट जूस दे सकता है और हाफ पार्ट सोडा देकर भी आप पी सकते हैं, या हाफ पार्ट वाटर देकर भी आप पी सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो स्वीटनेस है काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगा। लास्ट में मैं एक ही बात बोलूँगा कि आपका ड्रिंक है, जैसा मर्जी वैसे पीजिए, बट इतना याद रखिए कि मॉडरेट ड्रिंकिंग करना है, ड्रिंक को एंजॉय करना है, ना कि बेवड़ा बनना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।